हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बताने जा रही हूँ, जो दिखने में खूबसूरत भी होती है और उसके बहुत सारे चमत्कारिक उपाय भी होते हैं। दोस्तों, मोमबत्तियों की बात हम कर रहे हैं। मोमबत्ती के अद्भुत चमत्कार होते हैं जो आपके भविष्य को बताते हैं कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसमें होती है रहस्यमय शक्तियाँ जो हमारे प्यार से लेकर के हमारे बिजनेस तक सब में चमत्कार कर सकती हैं। प्यार और बिजनेस में कामयाब होने के लिए हर व्यक्ति यथासंभव प्रयास करता है, रोज़ नए नए उपाय तिकड़म लगाता रहता है, जिसके लिए चाहे महंगे से महंगे उपाय करना पड़े तो भी नहीं चूकता है। घर में पड़ी हुई आपकी पुरानी मोमबत्ती को खोज के निकाल लें, ढूंढ के ले आएं, क्योंकि उसमें छुपी हुई है रहस्यमयी शक्तियाँ जो ना केवल आपके घर के अंधकार को तो दूर करती ही है, लेकिन फेंगशुई के अनुसार इसके बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोमबत्ती को जलाने से पहले उसके रंग और स्थान का चयन कर लें। इससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो निगेटिव शक्तियों को छू मंतर कर देती है और आपके घर के वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। आपकी हर समस्या को हल करेगी ये छोटी सी मोमबत्ती। दोस्तों, क्योंकि मोमबत्तियाँ जहाँ हमारे जीवन में एक और प्रकाश करती है, वहीं हमारे भविष्य की कई चुनौतियाँ, परेशानियाँ और मिलने वाली सफलता से भी हमें अवगत कराती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए मैं आज आपको बता दूं कि मोमबत्तियाँ कैसे हमारे भविष्य के बारे में हमको अवगत कराती है। सबसे पहले आप ये जान लें कि प्राचीन काल से ही मोमबत्ती भविष्य जानने का एक बहुत ही प्रभावशाली साधन मानी जाती है। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, मोमबत्ती मधुमक्खियों के मोम से बनाई जाती थी पहले, और मधुमक्खियाँ सृजनशीलता का प्रतीक होती है और भगवान का संदेश वाहक मानी जाती है। इनके बनाए हुए मोम से बनी मोमबत्तियाँ बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि इन मोमबत्तियों से जो ज्योति निकलती है वो आपकी इच्छाएं और मनोकामनाओं को भगवान तक पहुंचाती है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचता है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह चाहे दीपक की ज्योति हो या मोमबत्ती की ज्योति, हर ज्योति बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। मोमबत्ती से भविष्य जानने के बारे में बताऊंगी कैसे जान सकते हैं, उसके लिए आप चार मोमबत्ती इकट्ठी कर लीजिए। पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रंग की मोमबत्ती जलाने से कौन सी आपकी समस्या का हल होता है। बड़ी ही एक्साइटिंग चीज है दोस्तों, तो एकदम रेडी कर लीजिए मोमबत्ती। सबसे पहले बात करेंगे हम घर के उत्तर पूर्वी कोने में हरे रंग की मोमबत्ती को जलाने की। घर का जो उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, वहाँ पर हरे रंग की यानी ग्रीन कलर की मोमबत्ती जलाने से निषेधात्मक जो शक्तियाँ हैं वो अपनी प्रभाव नहीं डाल सकती। जो भी निगेटिव एनर्जीज है, जो भी आपके कार्य में बाधाएं डालती है, वो कभी भी आपकी घर के ऊपर अपनी निगेटिव एनर्जी को नहीं डाल सकेंगे और पढ़ाई करने वाले बच्चों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। एकाग्र होकर के उनका मन पढ़ाई में टिकता है। अगर आप उनके स्टडी टेबल या उनके रूम में भी ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में एक मोमबत्ती ग्रीन कलर की जलाएंगे तो ये बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत लाभदायक होता है। घर के अगर दक्षिण पश्चिम हिस्से में यानी कि नैतित्य कोण में साउथ वेस्ट में आप अगर गुलाबी पिंक कलर की या येलो कलर की मोमबत्ती जलाएंगे तो इससे पारिवारिक सदस्यों में तूतू मैमे नहीं होती है, आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। धन के अभाव को दूर करने के लिए घर के साउथ डायरेक्शन में लाल रंग की मोमबत्ती आपको जलानी है, यानी कि घर की दक्षिण दिशा में आपको रेड कलर की मोमबत्ती जलानी है। घर में शुभता का आगमन हो, अच्छे कार्य हो, लक सबका साथ दे, इसके लिए आपको साउथ में या ईस्ट में यानी कि
दक्षिण में या पूर्व में ब्लू कलर की मोमबत्ती जलानी है। घर के उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड में सफेद मोमबत्ती को लगाने से परिवार के सदस्यों में रचनात्मकता बढ़ती है, जिससे बिजनेस भी सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगता है। तो दोस्तों, ये कलर की मोमबत्तियों में छुपी हुई होती है रहस्यमय शक्तियाँ। इनको आप अगर लगाएंगे तो आपको प्यार से लेके बिजनेस तक सभी में चमत्कार नजर आएगा। दोस्तों, एक होती है त्राटक साधना, जो कि मोमबत्ती के द्वारा की जाती है। अगर तांत्रिक साधना होती है वो मैं आपको कभी बताऊंगी, और वो भी मोमबत्ती के द्वारा होती है। इसमें होता है एकाग्रचित होकर, ध्यानस्थ होकर मनुष्य बोध अवस्था में आकर अपने आसपास के वातावरण से खो जाता है और सिर्फ उसकी चेतना एक बिंदु की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। और इस ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य की सारी शक्तियाँ एकाकार हो जाती है और वह दूसरों का वशीकरण बड़ी आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, मोमबत्ती में वशीकरण शक्तियाँ भी बहुत होती है। इसके लिए मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि मोमबत्ती से भविष्य जानने के लिए आप कौन से कलर की मोमबत्ती चुन सकते हैं और किस तरीके से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। अपने अपने प्रश्न के अनुसार आप रंगीन मोमबत्तियां चुनें। बहुत ही मज़ेदार खेल सा भी है दोस्तों, और हम भविष्य भी जान पाएंगे इससे। सबसे पहले लाल रंग की मोमबत्ती। लाल रंग की मोमबत्ती सृजन शक्ति, आपको जो भी सृजन शक्ति है और बचाव से संबंधित, आपको कोई भी गलत चीज़ों के बचाव से बचाती है। सफ़ेद रंग की मोमबत्ती नए साहस और रिश्तों से संबंधित होती है। पीले रंग की मोमबत्ती पैसा और रचनात्मक परियोजना से संबंधित होते हैं। और गुलाबी रंग की मोमबत्ती मन की शांति, गहरी नींद और समझौते से संबंधित होते हैं। ऑरेंज कलर की मोमबत्ती हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के ऊपर डिपेंड करती है। हरे रंग की मोमबत्ती प्यार, दोस्ती और परिवार से संबंधित होती है। ब्लू कलर की मोमबत्ती सफ़र, परीक्षा और अध्ययन से संबंधित होती है। जामुनी यानी पर्पल कलर की मोमबत्ती शांति और अतींद्रिय अनुभव से संबंधित होती है। बादामी या कत्थई रंग की मोमबत्ती घर और घर के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र से संबंधित होती है। गोल्ड कलर की मोमबत्ती महत्वाकांक्षी योजनाएं और उच्च ध्येय से संबंधित होती है। सिल्वर कलर की मोमबत्ती गूढ़ विद्या और गोपनीय स्वप्न से संबंधित होती है। अतः सबसे पहले आपको अपनी समस्या के अनुसार निर्देशों का पालन जो मैंने बताया वो करते हुए अपने अपने पसंद की कलर की 4 मोमबत्ती खरीदनी होगी। जो भी आपके क्वेश्चन हो जिस चीज़ से रिलेटेड, वो आपको 4 मोमबत्ती खरीदनी है। और सबसे पहले अपने प्रश्न के अनुसार चुनी हुई 3 मोमबत्ती को त्रिकोण बना करके लगा लीजिए। 3 मोमबत्ती को त्रिकोण बना लीजिए, ट्रायंगल शेप में लगा दीजिए, और चौथी मोमबत्ती को कुछ दूर आपको लगाना है। अपने दिमाग को शांत और स्थिर करके बिल्कुल अपने बैठ जाइए और अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। फिर अपने प्रश्न पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दें। माचिस की एक ही तिल्ली से त्रिकोणाकार रखी 3 मोमबत्तियों को जलाना है। चौथी मोमबत्ती भी जला लीजिए और कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दीजिए। अब त्रिकोणाकार जो ट्रायंगल में रखी हुई 3 मोमबत्तियां हैं, उनकी ज्योत से अपने प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करें। मोमबत्ती के संकेत आपको मैं बता देती हूँ, उनसे अब आप देखें कि क्या आपके रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला, एक ओर से दूसरी ओर हिलती हुई ज्योति मुसाफिरी सूचित करती है। दूसरा, दूसरी ज्योति की तुलना में अगर एक ज्योति का अधिक तेज प्रज्वलित होता है तो संपूर्ण सफलता दर्शाती है। तीसरा,
बाती के शिखर पर अगर अद्भुत तेजो में प्रकाश आने लगे तो इसका मतलब आपके घर में समृद्धि आने वाली है। चौथा, लहरदार और कुंडलों में उठती हुई ज्योति दुश्मनों की कोई चाल से हमें सावधान करती है। पांचवा, छोटी छोटी चिंगारियां सावधानी बरतने की सूचना देती है। छठा, उठती हुई और गिरती हुई ज्योति संकट या खतरे की निशानी है। सातवां, अस्थिर और हिलती हुई ज्योति आने वाली निराशा का निर्देश देती है। आठवां, अचानक ही ज्योति का बुझ जाना कुछ विपत्ति आने का परिचायक होता है। इस विधि के अलावा दोस्तों एक और आसान सी विधि है जिससे आप अपनी आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, 18 साल के बच्चे इन चीज़ों को ना करें, अगर करते भी हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स या किसी बड़े के सुपरविजन में करें। दोस्तों आपको एक छोटे से उपाय से ये आप जान सकते हैं कि आपको कब तक सफलता प्राप्त होगी। अपने प्रश्न के अनुरूप, अब जैसे मैंने पहले भी बताया, जो भी प्रश्न है उस कलर की आपको मोमबत्ती लेनी है और उसी रंग के कागज पर अपना क्वेश्चन लिखना है। अब अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपने प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना है और पूर्ण श्रद्धा से मोमबत्ती को जला लेना है। प्रश्न लिखे हुए कागज को इस मोमबत्ती की ज्योति में जलाना है और जलते हुए कागज को एक कांच की प्लेट में रख देना है। इसे जलता हुआ देखना है आपको। यदि कागज पूर्ण रूप से जल जाए तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली होती है। यदि कागज थोड़ा सा जलता है तो समझ लीजिए कि आपकी इच्छा पूर्ण होने में अभी भी समय लगेगा। तो दोस्तों मोमबत्ती के बड़े ही विचित्र से, चमत्कारिक से और बड़े ही एक्साइटिंग, रोचक से उपाय मैंने आपको बताए हैं, अद्भुत से चमत्कार बताए हैं जो आपके बताते हैं आपका भविष्य। दोस्तों बहुत ही रहस्यमय शक्तियाँ होती है इस मोमबत्ती में। प्यार से लेके बिजनेस तक आपकी सारी समस्याओं का हल आप जान पाएंगे। तो कर लीजिए ये उपाय। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं कोई पर्सनल प्रॉब्लम होने पर, और मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमें नहीं पता एक वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोमबत्तियों का एक्साइटिंग सा उपाय कर लीजिए और फिर देखिए कितना सारा फन मिलता है आपको और साथ में आप अपने भविष्य को जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।